आधे आधे मित्रों, तो एजाज खान जी ने बम फोड़ दिया है फिर से। हर्ष बेनीवाल का एक पैगोडी वीडियो है एजाज खान के किरदार में, और वो काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी फनी लगा। पैरोडी है तो, अगर पैरोडी से आप खुश नहीं हो, ह्यूमर से खुश नहीं हो, तो आप उसका पैरोडी में, ह्यूमर में जवाब दे सकते हो, या उस बंदे को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। पर किसी की फैमिली को बीच में खींचना, गंदी गंदी गालियां देना, बहन मम्मी के बारे में बहुत गंदा बोलना, हमारे भारत के संस्कार ना है भैया। पूरब झा की मदद के बारे में भी एजाज खान बहुत गलत बोल चुके थे, कि पूरब झा ने भी एक पैगोडी वीडियो बनाया था, तो बोल चुके थे कि तेरी माँ के साथ मेरा चक्कर है, तू मेरा बेटा है, फलाना ढिमकाना। ये कौन बोलता है यार, मतलब कोई सेंस है इस बात का? कहाँ आपकी उम्र, कहाँ इन दोनों की उम्र। कॉमेडी अगर नहीं समझ में आ रही है, मतलब ह्यूमर या आपको सार्कैज़्म नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप उसे या तो इग्नोर करो, इग्नोर नहीं कर सकते तो गुस्सा उसी पे फोड़ो, लेकिन उसकी फैमिली को बीच में लाना, मतलब बहुत ज़्यादा घटिया और थोड़ा छिछलापन है ये। पहले वीडियो देखो, खून खौल जाएगा तुम्हारा ये बात सुन के। सबसे पहले तो जो बोला है भाई, हैट्स ऑफ टू बेनीवाल। यार तेरी बहन वो मिलिंद गाबा की बीवी मेरे साथ ओयो में पकड़ी गई, तो तू ये सब कर रहा बेटा? वो तो बोली बोले जीजा जी का छोटा सा है तो मुझे पठान का चाहिए। फिर तेरा बाप भी आया तो मैं तेरे बाप की भी गांड मारा। फिर तेरा बाप तेरी मम्मी को भी लेके आया कि इनकी भी लो, और बाद में मेरे बेटे हर्ष बेनीवाल की भी गांड मारना। ठीक है बेटा, मेरी बहन को कुछ करना नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरा जीजा जी छोटा सा लेके चल रहा है। हाँ बता रहा हूँ। हैट्स ऑफ टू हर्ष बेनीवाल फैमिली के, बड़ा कंट्रोल है भैया इसमें, मतलब लोगों का खून खौल जाए, और आपकी तो फैमिली के लिए बोला गया है। बट एनी वेज इट्स योर चॉइस, आपको जैसे ठीक लगेगा आप वैसा करेंगे। पर मुझे एजाज खान के फॉलोअर्स के लिए थोड़ा सा लगता है यार, इतना सपोर्ट करते हैं एजाज खान को, उसके बाद में भी आप, मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि एजाज खान के पास अच्छे हाउस हेल्प है, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, पे कर पा रहे हो ना आप सबको, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब बड़े यूट्यूबर्स का आपको सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? इतना करियर डाउन हो गया है आपका। आप तो बोलते हैं ना कि सलमान खान मेरा भाई है, मैं मिलने नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? अब जाइए, उसमें कैसी शर्म है यार। लोग इतना काम करते हैं अपने सोर्सेस, अपने जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, अपने जो आपको लगता है कि वहाँ आपको, आपका सपोर्ट हो सकता है, आपकी बहुत अच्छी जान पहचान है, बिल्कुल जाइए, अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा करेंगे, अगर लोग आपको बोलें, ये तो आपको सुनना भी पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गलत आपने किसी औरत के बारे में इतना गंदा बोला, और पहली बार तो नहीं बोला है ना आपने। आपके तो कुछ मैसेजेस भी आए थे कि को कंटेस्टेंट्स को भी शायद कुछ ऐसे करके न्यूज़ आई थी। देन पूरब झा की मदर के बारे में, तो जग जाहिर वीडियो है, अभी कोई बहुत पुराना भी नहीं है, अभी कुछ टाइम पहले का ही है, शायद पिछले महीने का ही वीडियो है। तू मेरा बेटा है, तेरी माँ के साथ मेरा चक्कर था, ऐसे कौन भूलता है यार, तेरी माँ के साथ मेरा चक्कर था। फिर आप हर्ष बेनीवाल की बहन के बारे में इतना गंदा गंदा अश्लील बोल रहे हैं, उसके प्रिया बेनीवाल के हस्बैंड के बारे में, मिलन गाबा इतना बड़ा रेनाउंड सिंगर, बाप रे बाप, आप उसके बारे में बोल रहे हैं। सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट ही है ना, मतलब सही एक्टर हैं आप, बायोपिक पे लिखते हैं ना एक्टर, सही एक्टिंग करते हैं आप। बट एनीवेज, मेरा तो यहाँ पे एक ये था कि मैं स्ट्रांगली ये व्यवहार को सपोर्ट नहीं करती हूँ। आई डोंट, मतलब पब्लिक फिगर होने के बाद अगर आप ऐसा अनैतिक व्यवहार करेंगे तो